हमारा इलेक्शंस है वो 22 तारीख को 8 बजे से शाम 4 बजे तक है, तो टेक्निकली जो 48 घंटे बनते हैं वो आज शाम को 4 बजे से शुरू होता जी है, 48 आवर्स। तो आज शाम 4 बजे से जो भी कैंपेनिंग का प्रोसेस है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग के लिए परमिशंस वगैरह मिली हैं, दैट विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब आज शाम 4 बजे से कोई भी कैंपेन वगैरह नहीं होगा, सब बंद। और कल मेरे ऑफिस से धारा 144 का ऑर्डर निकला है, जिसमें मेन 5-6 चीज़ें हैं कि 4 बजे से कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद जिस दिन इलेक्शंस होंगे उस दिन म्यूनसिपल लिमिट, जो सिटी का म्यूनसिपल लिमिट है, नगर पालिका का जो एरिया है, उसमें जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनके 100 मीटर की रेंज में, 100 मीटर की रेंज में जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बार्स वगैरह हैं, ईटरीज हैं, टी शॉप्स हैं, ये सारी 100 मीटर की रेंज में बंद रहेंगी। और जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ इलेक्शन वाले दिन यानी 22 तारीख को 200 मीटर के रेंज की जितने भी ऐसे दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी। उसके साथ साथ क्या है कि जितना भी मतलब परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली हुई थी उनके व्हीकल की, वो सारी परमिशंस जो हैं वो मतलब एक तरीके से ख़त्म। आज शाम 4 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी अगर घूमती हुई हमें मिलती है झंडे वगैरह के साथ या कैंपेन करते हुए, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि 22 तारीख के दिन जिस दिन चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, उस दिन के लिए अगर उनको घूमना है तो उनके सिर्फ कैंडिडेट या फिर उनके जो ऑथराइज्ड इलेक्शन एजेंट हैं उनको परमिशन के लिए आज या कल अपने लोकल SDM या फिर ADM के पास अप्लाई करना है, और वो देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो उनके ऑथराइज्ड एजेंट हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि 5 जो मतलब 4 से अधिक लोग हैं, ठीक है ना, उन पे बैन रहेगा। वैसे भी मतलब हम 144 पहले से ही लगा हुआ है कोविड के टाइम के, पर इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा चीज़ें ज़्यादा वो हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। तो 4 लोगों से ज़्यादा अगर कहीं भी इकट्ठा मिलेंगे तो धारा 188 में IPC की जो धारा है उसमें उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बाकी सभी से यही है कि इलेक्शन की सीरियसनेस को समझते हुए सभी लोग जो भी आदेश निकला है उसका ज़रूर से ज़रूर पालन करें, खासकर पॉलिटिकल पार्टी से है, क्योंकि मैं भी रात में राउंड मारता हूँ, SP साहब भी मारते हैं, और जितने भी हमारे इन्फोर्समेंट ग्रुप्स हैं वो भी मारते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी ऐसा वायलेशन मिलेगा तो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। सर, बीते दिनों में आपने जो क्वारंटीन में थे उनको इलेक्शन करवाया, वो कैसा रहा? और काफ़ी स्टाफ आपके क्वारंटीन में होंगे, तो पोलिंग जो स्टाफ के लिए कितना दिक्कतें हैं उसके लिए? हाँ, एक्चुअली जो मतलब सबसे जो मेन चीज़ ये था कि जो कोविड पॉजिटिव थे तो होम आइसोलेशन में, या फिर जो कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए, या फिर जो बाहर से आ रहे हैं जिनके लिए होम क्वारंटीन की मतलब लागू किया गया है, तो उनके लिए इलेक्शन कराना थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी सर्विलेंस टीम थी उनको लगाना, फिर हर जो हमने जोन्स डिवाइड किए थे उसमें ANMs को लगाना, ANMs को प्रोटेक्टिव गियर देना, क्योंकि वो एक्चुअल में उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं, चाहे पोस्टल बैलेट को रिसीव करना हो या कोई फॉर्म भरवाना हो। तो जो मेन मतलब हमारे पास चैलेंजेस आए वो ये ज़्यादा था कि हमारे पास स्टाफ की कमी पहला चीज़, लेकिन हर जगह से स्टाफ को रेशनलाइज किया गया, पुल अप किया गया और चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। उसके साथ साथ क्या हुआ कि उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर का उपलब्धता, जितनी भी चीज़ें हैं मास्क, सैनिटाइज़र, वो सब चीज़ें उपलब्ध कराई गई, तो लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला, कि मतलब उनको बताया गया था कि इतने तारीख को वोटिंग है, इतने समय के बीच में आपके घर पे आएंगे, तो लोग मिले उस समय, तो वो सबसे ज़्यादा हैसल फ्री उनके कोऑपरेशन के कारण हुआ। अब जो हमारे स्टाफ हैं मतलब भगवान का शुक्रिया है इसमें कि स्टाफ जो हैं वो सभी लगभग स्वस्थ हैं, और किसी को उतना ज़्यादा, एक दो ऐसे 2-4 केसेस आ रहे हैं जो मतलब या क्वारंटीन में है, सिम्टोमेटिक हैं, तो उनको एक्सक्लूड करके हमने वो किया हुआ है। लेकिन जो ज़्यादा ब्लेसिंग है हमारे लिए वो है कि इस बार हमने, जैसे पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमने फीमेल स्टाफ को लगाया था, तो इस बार हमने क्या किया, हर पोलिंग स्टेशन पे जो नज़दीक के पोलिंग स्टेशंस हैं, जो आसपास के एरियाज़ में, चाहे खरू तहसील हो, खलसे तहसील हो या नुब्रा तहसील हो, तो वहाँ हमने क्या किया, पोलिंग स्टाफ में 50% फीमेल को रखा है, 50% मेल को रखा है। तो हमारा जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो एक्चुअली फीमेल पोलिंग स्टाफ से पूरी हो गई है।
सर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में कितने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का केसेस आए हैं? हमारे पास 3-4 केसेस आए हैं, पर उस ग्रेव ऑफेंसेस के नहीं हैं, जिसमें जो कंसर्नड एफएसटी एसएसटी टीम है वो तुरंत का तुरंत एक्शन ले ली। सर ऐसा कोई केसेस है जहां पर कैंडिडेट खुद क्वारंटीन में बैठना पड़ा होगा अभी इस वक्त? एक्चुअल में उस टाइम जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब एक केसेस आए थे, तो उसके लिए फैसिलिटेट किया गया था। अभी तो फिलहाल मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसा होता है तो जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि स्मूथ कंडक्ट हो सके। इस बार 294 पोलिंग बूथ्स हैं हमारे, तो उसमें 2 पोलिंग बूथ्स जहाँ बिल्कुल ही रोड की कनेक्टिविटी नहीं है वो है डिपलिंग और जिंगचन, जो कि सिंगला लोक एरिया में पड़ता है। तो आज सुबह एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन पोलिंग जो स्टाफ है उनको ड्रॉप किया गया है अलॉन्ग विद सिक्योरिटी पर्सनल, और वो पहुंच चुके हैं अभी डिपलिंग और जिंगचन जो लिंगशित कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 26 लिंगशित कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें हैं, तो वो कर दिया गया। बाकी जगहों पे 100 कल जो है कल 10 पोलिंग बूथ्स जो हैं जो उसी एरिया में हैं, मतलब लिंगशित वाले एरिया में हैं और जहां रोड पहुंचती है, तो कल वो चले गए, शाम को पहुंच गए, 2 आज हेली से गए हैं। बाकी 110 जो पोलिंग स्टाफ पोलिंग बूथ्स के स्टाफ हैं, पीओज वगैरह हैं, सिक्योरिटी है, वो आज बाई रोड गए। तो टोटल अभी तक 122 हमारे पोलिंग बूथ्स के जो स्टाफ हैं वो चले गए हैं, कल 172 को जाना है।